12 देखिए क्या दिया है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में यहाँ पर दिया हुआ है मोड ऑफ लॉग एक्स। तो इसके बारे में हम लोग बहुत बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं, देखे हुए हैं। चलिए दोबारा से मैं यहाँ आपको इसको बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है मोड ऑफ लॉग मोड एक्स। तो इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन बताया हुआ है, आपको याद होना चाहिए इसको। तो मैंने बताया था आपको, याद होना चाहिए इसके बारे में कि अगर हम लोग x को माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन तक रखते हैं, इसके बीच का रखते हैं, तो इसका वैल्यू होता है लॉग माइनस का x। और अगर माइनस वन टू जीरो के बीच रखते हैं तो इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है निगेटिव ऑफ लॉग माइनस x। और जीरो टू वन के बीच में रखते हैं तो ये हो जाता है माइनस लॉग x। और फिर वन टू इन्फिनिटी तक रखते हैं तो इसका हो जाता है प्लस का लॉग एक्स। ठीक है, ये जीरो पर तो नॉन डिफाइंड होगा, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसका लिमिट एक्चुअल में। तो ये जीरो पर, तो जीरो पर ये आपका फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा, जीरो पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, माइनस वन और वन पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा माइनस वन पे, वन पे। हम लोग चेक कर चुके हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग एक्सरसाइज में बना चुके हैं, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, आया है ना जी, अभी हमने देखा था पीछे के वीडियोज में, तो इसको मैं दोबारा से बताने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका आंसर कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन बट नॉट डिफरेंशिएबल एट वन माइनस वन, यानी ये बी नंबर आपका सही आंसर दिख रहा है। ठीक है, समझ गए ना। तो इसको आप ऐसे इसको चेक भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है एक्सरसाइज में, मैंने बता रखा है एक्सरसाइज 10.2 का, 10.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, 9 था, यही से मैंने वहां बता रखा है, तो इसे मुझे दोबारा से बताने की जरूरत ना है। क्वेश्चन नंबर 13